शिवाय विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संतों की पवित्र भूमि परतवाड़ा महाराष्ट्र से शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य है संतों की इस पवित्र भूमि के सभी रह निवासी, आप सभी को नमन करता हूँ जो इस पवित्र कथा को इस चिलचिलाती हुई धूप में आप श्रवण करने के लिए पधारे हो। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय नंद किशोर जी बाल बलभद्रलाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवक बाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल परतवाड़ा इस कथा के मुख्य यजमान हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा के इस पवित्र आनंद में आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं। एक महीना का विराम, थोड़ा चोट लगने के कारणवश आप लोगों के मध्य नहीं आ पाए, पर आप लोगों ने कष्ट को मिटाने के लिए एक लोटा जल रोज शिव जी को चढ़ाया, जिसके कारणवश बाबा ने कृपा करी। काशी सोमनाथ उज्जैनी ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था जहाँ सभी भक्तों ने शिव भक्तों ने अनुष्ठान नहीं किया। हर प्रदेश के शिव भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। मैं सबके पावन चरणों को नमन करता हूँ और आपकी वो लगन आपका विश्वास आज इस व्यासपीठ पर वापिस विराजमान हुआ। शिव महापुराण कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल दिन में जितनी धूप होगी, कल दिन में जितनी गर्मी होगी, आज आप अगर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कल की धूप और आज की धूप का अंदाजा लगाना कि आज मेरे बाबा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ। सात दिन अपने को यही आनंद लेना है, सात दिन परतवाड़ा वालों को यही देखना है कि शिव कब आया, कितनी देर आया और कितनी देर आकर अपना आशीर्वाद बरसा कर चले, बस यही अनुभव कर। लोग कहते हैं आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत नहीं, अनुभव कर। आप शंकर को देखने का प्रयास मत करो, उसको अनुभव करो।
प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हर एक जीव के अंदर वही विराजमान। आज परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर इतने शिव भक्तों का आगमन हुआ है, जितने जितने परतवाड़ा के सेठ हों, जिनको मेरे भोलेनाथ ने कुछ दे रखा हो, उनको अपना खजाना इनके लिए जल के रूप में, ठंडाई के रूप में, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में लुटा देना चाहिए। बार बार ये परतवाड़ा की भूमि पर ये शिव भक्तों का मेला नहीं लगने वाला। कोई पुण्य जायसवाल परिवार के होंगे, कोई पुण्य। और आज की कथा बुकिंग नहीं है, ये आज की कथा नहीं है। जब कोरोना महामारी चल रहा था उस समय पर ये कथा श्री ओम प्रकाश जी से पूछिएगा कि कोरोना महामारी के समय पर ये कथा लगभग 4 साल पहले ये कथा का क्रम बुक था। और उस समय पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी थी कि एक छोटा रूप में कथा हो सकती थी, पर जायसवाल जी को भी नहीं मालूम था कि इतनी भारी व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए करना पड़े। सब समय की अवस्था में, पर मैं धन्यवाद देता हूं जायसवाल जी आपको। मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश नंद किशोर जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, और हिम्मत नहीं आ रही तो मेरा देव अधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आप लोगों के अंदर विराजमान हुआ और आज ये कथा प्रारंभ हुई। एक शिव भक्ति। अमरावती में जब सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने कथा कराई, श्री विधायक महोदय रवि जी राणा जी ने कथा कराई, तब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी अपने विचारों में कही थी कि गुरु जी, हमारे इस क्षेत्र में जब भी कथा होगी, आपकी या जीजी नवनीत राणा और श्री रवि जी राणा तक पर खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने जताया भी, और आज यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था देखी। बहुत बहुत साधुवाद। बैसाख का महीना है, और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी चैन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कोई लेकर कथा में नहीं आना। गोल्ड लेकर मत आना, अगर डायमंड लेकर जाना है तो। भोलेनाथ ब्यूटी फुल, क्या बोलते हैं भोलेनाथ, जम जम के तो बोलो जरा, भोलेनाथ ब्यूटी। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी फुल। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। जब शिव रूपी हीरे को हमें पकड़ना है, और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब एक महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे, एक पंजाब का एक शिव भक्त आया, और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव पुराण में जानना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो, इसका लाभ क्या होगा। हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ, तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी, जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना। एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है,
ऐसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे, आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे, अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है, मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं, इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं साधु कथा में जाकर बैठ जाऊं, ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है, अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा, क्या कहेगा, उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है, वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। वो एक बार जो अनुभव जिसको लग गया, एक पत्र है, इंदुताई जगन्नाथ कालमेघ मुकाम पोस्ट चोसाका तहसील अंजन गांव जिला अमरावती की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदुताई जगन्नाथ कालमेघ मुकाम पोस्ट चसाका तहसील अंजन गांव जिला अमरावती की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो अपने हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हूँ हाथ हिला सकती हूँ, दिख गई क्या। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था, पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा। मैंने अपने बेटे से कहा तू पढ़ाई कर,
सीहरवाला गुरु जी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी और मेरे बेटे से कहा, बेटा मैं नहीं आ सकती, तो क्या हुआ? पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठ कर सुन। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। इंदुताई जगन्नाथ कालमेघ मुकाम पोस्ट चौसगा अंजन गांव जिला अमरावती, मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंभू किसको कहते हैं? एक विश्वास। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए, 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर आए हो तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजते। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा, शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा, कोई नहीं भेजता। भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, पर जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिव पुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता। तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुन, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुन। एक भरोसा कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेज, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। जब 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के हैं, एक शब्द भी, केवल एक शब्द,
हम उतारे अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है, लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था, जब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया था। देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, आप ही हैं श्री शिवाय नमस्ते, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, पहले बुखार आया फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ, आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए, ये शिव तत्व है। ये शंभु ओघड़ी, भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता, थोड़ा सा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहे। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना,
आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा करकर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेके वेद जी के पास गई और वेद जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है वेद जी जरा देखो ना। वेद जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा मैं इनको दवाई देता हूं सुबह दोपहर और शाम, मैं दवा दे रहा हूं कूट कूट के दे दे रहा, मैं दवा दे रहा हूं सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे दे रहा। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती दवा देती, फिर शाम को कूटती फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई, क्या कर रही है बहू? बहू कह रही है कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया ना, दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाए तो ये लोग क्या कर सकते हैं? फिर देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है, शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना, शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं। तो क्यों? शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बेतुल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है। तो
इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं, श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, हैं और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरु जी, हमने कहा क्या, तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं, जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है, और बड़े का काम क्या होता है, तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है, बड़े का काम क्या है, वो तिजोरी आपकी चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा ज्यादा, तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा रहता, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एडजस्ट रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है, पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है, वो शिव है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरुवाला, जिनके गले में विष धर पाला, नील कंठ वाला भोलेनाथ डमरुवाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ दयालु भोलेनाथ डमरुवाला, दोनों हाथों से जिनके गले में विष धर पाला, नील कंठ वाला भोलेनाथ डमरुवाला,
Thank you.
बैठे पर्वत रमावे बदन पड़ी गगनचाला बदन पड़ी गगनचाला है आलोके महाकाल सदाशिव करो निराला है रूप निराला है जिनका रूप निराला है ज्योति में उनकी गजला कटवाला बोले आप रूला बड़ा है दयालु बोले आप रूला बड़ा है दयालु बोले आप रूला जिनके घर में विश्व भरवाला बड़ा है दयालु बोले नाथ डमरू वाला 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 बड़ा है दयालु बोले अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर यूट्यूब पर फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठे हो, जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल जाए, क्योंकि पंडालों में तो जगह नहीं है, पर जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी बड़े सावधान। एक महीने के बाद बाबा से स्तुति करने का मन, बाबा से प्रार्थना करने का भाव जागने का, दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो, दिल से आपको मंत्र आता है, सब हमारे साथ में बोलेंगे आराम से धीरे धीरे बड़े भाव के साथ, आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, बैसाख का महीना है, दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे बाबा अगली कथा में आपका भी एक पत्र उस व्यासपीठ पर पहुंचे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शंकर जतु तेरी बारा भोले बाबा जतु तेरी बारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो।
गणधामी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जो त्रिलोकी का नाथ है। देवऋषि नारद नहीं जा रहे उनके पास, क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुन रहे, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया। बहुत भटके थे, बहुत। एक मां बेटी है जिसके बच्चे दानी में गठान हो गई थी, और गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर, तुम लोग समझ गए ना, ठीक है, मेहकर जिला बुलढाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुलढाणा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था, दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद मैं इलाज करवाते करवाते थक गई, तब फिर मैंने बापी डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा, मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था, डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती हूँ। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा, मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रज को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है, इसलिए वहां की रज अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं। तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी, मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है, मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, पांचवे दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुलढाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल। कहीं बैठी हैं क्या,
उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है, जिसने लिखा नाम लिखा एड्रेस लिखा, शिव तत्व की प्राप्ति। एक शंकर का अनुमोदन, एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख दे। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है परतवाड़ा में, आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है, और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना, बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों आए हैं इनकी सेवा करो, घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो इनको खिलाओ, पानी की बोतल लाओ पानी भर कर पिलाओ, घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, करो सेवा। और बैसाख महीने में सेवा मिली है ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक भाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। एक महीने के बाद हमें पत्र लिख कर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिख कर जरूर भेजना। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, और कर दिया माला माल का शिवाले ने। वो दिन रात लुटा था, देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं, शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचे। बड़ा, बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जयसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माता पिता की पुण्या ही है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जयसवाल परिवार कथा करवा। कहां धूता, और यहां जितने बैठे हैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी। उसे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं, देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया, आज एक बार
मैं शिव के पास जाता हूं। आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता हूं। और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। अजब मीनाक्षी किशोर सोल के, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई, ये शिव तत्व बच्चेदानी की गठान कैसे गई। अब ठीक है लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है, किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने बैठ, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया, कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगड़वानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना या कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते डुचकी बोलते है, हिचकी जैसी, और जैसे हिचकी आई ना तो लोग कहते हैं मारी छोरी याद कर रहे, मेरी छोरी याद कर, जैसी हिचकी आई तो के मेरा छोरा याद कर रहा, बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा, शिव जी याद। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे बेटा याद कर रहे, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा भोले, अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा, 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद लोगों के दुख निवारण के लिए, फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में, वो साधारण रुद्राक्ष फिर चाहिए। पर कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना सियोर वाला महाराज याद कर।